अभी मेरी उम्र थोड़ी है ये काम वाम करने की, अभी तो कॉलेज के दोस्तों के साथ एंजॉय करने की उम्र है। चलो लव यू बाय। अरे जो भी करना चाह रही हो ना वो जरा सा जल्दी करो, मैं आज रात ही पहली कोशिश करने वाली हूँ। माफ कर दीजिए साहब, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। माफ कर दीजिए साहब, गलती से हो गया, ना जाने ये खिलौना कहाँ से आ गया। देखकर चलना चाहिए था ना, मेरी फेवरेट टी शर्ट थी। खैर गलती मेरी भी थी, मुझे भी थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए था। और ये प्रियो भी ना कहीं भी अपने टॉयज रख देती है, जाते हुए इसे साइड में रख देना। जी साहब जी। ऐसे क्यों लगा जैसे ऐसा कुछ पहले भी हो चुका है। संभल कर चला करो। पता नहीं निहार जी को कुछ याद आया भी या नहीं, पर मैं भी कोशिश जारी रखूंगी, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी मैं। श्री खाटू श्याम महाराज की जय। ऋतु ये आरती बाकी सबको दे दो बेटा। जी मां। ऋतु आरती पहले घर वालों को दी जाती है, बाद में नौकरों को। तुम तो निहार को छोड़कर इमरती के पास आरती देने पहले ऐसे चली गई जैसे वो तुम्हारी कोई अपनी हो। चलो निहार को आरती दो पहले। सॉरी मां। ओह गॉड, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम यहाँ रुचिता नहीं इमरती हो। कोई बात नहीं भाभी, भाभी एक सेकंड। ये आरती आप निहार जी को जाके दे दीजिए, मुझे उम्मीद है वो समझ जाएंगे। एक ही फूल बचा है, तुम चढ़ा दो। कोई बात नहीं निहार जी, आप चढ़ा दीजिए। मैं चढ़ाऊं तुम चढ़ाओ, एक ही बात हुई ना। हाँ तो आप ही चढ़ा दीजिए ना निहार जी, लीजिए। ओके एक काम करते हैं। क्या? दोनों आधा आधा चढ़ा देते है ना, परफेक्ट आइडिया। चलो ऐसे रुचिता इस आधे फूल की तरह एक अधूरी जिंदगी जी रहा था मैं, तुमने आके इसे पूरा कर दिया। कभी कभी लगता है कि क्या तुम्हारे बिना मैं जी पाऊंगा भी कि नहीं। उसकी नौबत ही नहीं आएगी निहार जी, लोग जिंदगी भर का साथ मांगते हैं ना, लेकिन मुझे जिंदगी ही उतनी चाहिए जितना आपका साथ हो। निहार भैया ये फूल भी चढ़ा दीजिए। भाभी आप जानती है ना मुझे ये पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट नहीं, आप ही चढ़ा दीजिए। जी नाश्ता करा दो।
खाटू श्याम जी मुझे शक्ति दीजिएगा कि मेरी हिम्मत और मेरा विश्वास ना टूटे। प्रसाद लेना तो भूल ही गया, वैसे भी आज मॉम ने मेरे फेवरेट लड्डू भोग में चढ़ाया। लो फूल भी चढ़ गए। मेरी उम्मीद कायम रखने के लिए थैंक यू। बहुत गर्मी हो रही है, मैंने सबके लिए जूस बनाया है, जूस ले लीजिए। ये फोन में क्या कर रहे हैं आप? मेरे फोन में कुछ गड़बड़ हो रही है, ना तो रुचिता को फोन लग रहा है ना ही उसको मैसेज जा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई। प्रतीक देखा ना बेटा क्या प्रॉब्लम हुई? जी पापा, रुचिता का नंबर आपके फोन में ब्लॉक हो गया था, इसलिए ऐसे हुआ था। लीजिए मैंने अनब्लॉक कर दिया। लेकिन ये रुचिता का नंबर ब्लॉक कैसे हो गया? मैंने तो नहीं किया था। कोई बटन गलती से दब गया होगा ना आपसे, वैसे भी इन सब चीजों की ज्यादा समझ कहाँ है आपको, और आप रुचिता को फोन क्यों कर रहे हैं? अरे वो जब से यहाँ से गई है उससे बात ही नहीं हो पाई, उसे भी तो इंतजार होगा कि हम उसे वापस कब बुला रहे हैं। मौका देखकर उसे वापस तो बुलाना ही पड़ेगा ना। और निहार, निहार का क्या? अगर उसकी तबीयत बिगड़ गई तो? मुझे समझ में नहीं आ रहा इससे जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं आप उसके साथ। जबरदस्ती नहीं है पूनम, डॉक्टर के कहने पर ही कर रहा हूँ, उसकी रिपोर्ट सब अच्छी आ रही है और रिकवर भी हो रहा है वो, इसलिए सोच रहा हूँ कि अब रुचिता को वापस बुला लाते हैं। वैसे भी कितने दिनों तक वो निहार से दूर रहेगी? ये लीजिए आप जूस। ये क्या किया आपने? I'm so sorry. गलती हो गई, मेरे हाथ से एकदम से फिसल गया। सॉरी। जूस फोन में ना चला गया, पूरा फोन बिगड़ जाएगा। शुक्रिया फोन चल रहा है। पूनम जरा इधर आना। पूनम, पूनम माँ बुला रही है आपको। हाँ। रिंग जा रही है। फोन किसका बज रहा है? ये तो मेरा फोन है। हे भगवान, गलती से साइलेंट करना भूल गई। अगर किसी ने सुन लिया तो पक्का माँ या दादी में से किसी का फोन होगा। कोई जानी पहचानी से रिंगटोन है, शायद रुचिता के फोन की रिंगटोन भी आई थी। जल्दी जल्दी रुचि किसी ने फोन देख लिया ना तो बस। ये रुचिता के फोन की मोबाइल रिंग क्यों लग रही है? कमाल है,
रुचिता फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं बिजी होगी पापा, एक बार और मिला लीजिए। आज कहाँ रहा था फोन? बच भी रहा था या फिर रुचिता के आने के बाद से फहम हो गया मुझे? जी का फोन? हेलो 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 उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी, बिल्कुल मेरे पापा की तरह। आप भी बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं साहब जी। आपके पापा हमको काहे फोन करेंगे? या हमारे बापू का फोन था तो फोन काट क्यों दिया, वो भी मुझे धक्का देकर? वो काहे ना कि हमारे बापू को बिल्कुल नहीं पसंद है कि हमारे आसपास कोई गैर मर्द घूमे, इसलिए फोन काट दिया। गलती से भी आवाज सुन लेते तो बहुत डांटते। हम बाद में उनसे बात कर लेंगे। ओके। भगवान का शुक्र है बच गए। लेकिन पापा जी मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? क्या हुआ जी, रुचिता का फोन लगा? फोन तो लगा लेकिन कट गया। शायद बहुत नाराज है हमसे। और वो भी क्यों ना, अपने बेटे की फिक्र में हम उसे पूरी तरह से भूल गए। मुझे उसे मिलने उसके घर जाना चाहिए। को वापस कॉल करके देखती हूँ, क्या पता मुझे वापस बुला रहे हो। अगर ऐसा हुआ तो मुझे ये नाटक नहीं करना पड़ेगा। ये फोन क्यों नहीं लग रहा उन्हें? ये गिरने की वजह से टूट तो नहीं गया? हे भगवान, अब कॉल कैसे करूँ? अरे रुचिता के घर जाने की क्या जरूरत है? अगर उसने आपका फोन काट दिया इसका मतलब यही है कि वो अपनी जिंदगी में मस्त है, उसे निहार की इस घर की कोई फिक्र ही नहीं है। ये क्या बोल रही है पूनम? वो रुचिता है, उसके लिए निहार और इस घर से ज्यादा बढ़कर और कुछ नहीं है। उसने फोन नहीं उठाया, या तो डिस्कनेक्ट किया, इसका मतलब ये है या तो वो हमसे बहुत नाराज है या तो बहुत ही दुखी है। और दोनों ही सूरतों में हमें उससे मिलके उसे वापस लाना चाहिए। थोड़ी देर में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो खत्म करके मैं खुद जाऊंगा रुचिता को वापस लाने। मैं भी चलूंगी आपके साथ। अच्छा, रुचिता को अच्छा लगेगा। चलो भाई मीटिंग ले लेंगे। जी पापा। फाइल दे दो। मैं रुचिता के घर जाऊंगी जरूर, लेकिन उसे वापस लाने के लिए नहीं, बल्कि किसी भी तरह से उसे उसके मायके में रोकने के लिए। भैया आप इतना रेडी वेडी होकर कहाँ जा रहे हैं? एक फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। आप तो जानती है ना आपका देवर कितना फेमस है, लड़कियाँ फैन है मेरे। सॉरी साहब जी, गलती से हो गया।
थैंक गॉड मेटल का था, अगर टूट जाता ना तो मॉम अभी नौकरी से निकाल देती तुम्हें। ध्यान रखा करो। गॉड बाय भाभी। निहार भैया आप किसी फीमेल फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं? हाँ भाभी। हाँ सुन चलो आ रहा हूँ। क्या हुआ भाभी? बहुत सर दर्द हो रहा है मुझे। अब आप बैठिए। हे भगवान। भाभी अब ठीक है ना? हाँ जी, वो प्रिया के स्कूल जाना था ना, उसका बैडमिंटन मैच है, प्रतीक जी भी बिजी है, मैं भी नहीं जा पाऊंगी, कितना बुरा लगेगा उसे। भाभी जाना जरूरी है क्या? हाँ। कोई बात नहीं भाभी, आप आराम कीजिए, मैं चला जाऊंगा प्रियो के स्कूल। सच? ओफो बाप रे, नहीं वो आपकी दोस्त आपका इंतजार कर रही होगी ना तो। कोई बात नहीं भाभी, उससे मैं बाद में मिल लूं, प्रियो से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, मैं चले जाता हूँ, आप आराम कीजिए। हाँ। रुचिता आज तो हमने निहार भैया को किसी तरीके से रोक दिया, पर हमेशा ऐसे कैसे रोकेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो सिंगल है, फ्री है, कल को उन्हें कोई लड़की पसंद आ गई तब क्या करेंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाना बनाने का टाइम हो गया है, जाओ जाकर खाना बनाओ। जी मालकिन। रितु। हाँ बेटा, हम लोग रुचिता के घर पे जा रहे हैं, थोड़ी देर में लौटेंगे। पर रुचिता के घर ऐसे अचानक? बेटा वो जब से यहाँ से गई है उसके बाद में उससे बात ही नहीं हो पा रही, उसका फोन भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं किस हाल में होगी बेचारी, इसलिए सोचा जाकर मिल के आ रहा हूँ। तो इसलिए पापा जी मुझे फोन कर रहे थे? अरे मरते तो माँ जी की नजर रहेगी तुम्हारे ऊपर। हाँ सारा काम अच्छे से करना। चले चले भाभी, मुझे घर जाना होगा। घर? घर क्यों जाना होगा? दादी जी बोल देंगे ना कि तुम घर पे नहीं हो। नहीं भाभी, दादी को नहीं पता है कि मैं यहाँ ऐसे नौकरानी बनकर रह रही हूँ, उन्हें ये लगता है कि मुझे माँ और पापा जी ने बुलाया है, अगर पापा जी ने वहाँ पर बोल दिया कि मैं गोयल हाउस में भी नहीं हूँ तो बहुत चीजें खराब हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हे भगवान, एक मुसीबत जाती नहीं है दूसरी आ जाती है, क्या करेंगे। खैर तुम जल्दी जाओ। जाओ। हाँ। तुम कहाँ जा रही हो? दादी जी वो सब्जी लेने जा रही थी बस। हाँ बस यूं गए और यूं आ गए। भाभी जी मैं सब्जी ले आ। जाओ रसोई में रख दो जाके। लो आ गई सब्जी, अब जाकर अपना काम करो, नजर रहेगी मेरी तुम्हारे ऊपर, समझी। भाभी अब क्या करूं? वही करेंगे जो बुआ सा के टाइम पे किया था। नमक थोड़ा कम रखना। जी दादी सा। देखो जरा मेरी दवाई लेकर आना। अभी लाई दादी जी। ये रसोई से कैसे आवाज आई रितु की? दाल अच्छे से बनाना। जी दादी सा। नमक
थोड़ा कम रखना, हम सबको बीपी की दिक्कत है। जी दारिसा। थैंक गॉड सुचिता ये रिकॉर्ड करके गई है, अब बस दादी जी वहीं से बैठे बैठे ऑर्डर करती रहे, वो किचन में ना आए। देखो जरा मेरी दवाई लेकर आना। अभी लाए दादी जी। ये रसोई से कैसे आवाज आई रितु की? मुझे कैसे भी करके घर माँ और पापा जी से पहले पहुँचना होगा, क्योंकि मैं अपना सच ना ही दादी से बता सकती हूँ और ना ही ससुराल में किसी को। अब गलती से भी अगर माँ को पता चल गया कि मैं धोखे से घर में रह रही हूँ, तो वो मुझे निहार जी से और दूर करती है। भगवान कोई भी ऑटो नहीं मिल रहा, माँ और पापा जी पहुंचने वाले ही होंगे। कैसे रोकूं रुचिता को उसके मायके में, कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। क्या हुआ, ये गाड़ी क्यों रोक दी? ये आगे नो एंट्री है, हमें घूम के जाना पड़ेगा, लंबे रास्ते से ले रहे। मुझे कैसे भी करके घर माँ और पापा जी से पहले पहुँचना होगा, क्योंकि मैं अपना सच ना ही दादी से बता सकती हूँ और ना ही ससुराल में किसी को। और गलती से भी अगर माँ को पता चल गया कि मैं धोखे से घर में रह रही हूँ, तो वो मुझे निहार जी से और दूर कर देंगी। माँ आइए ना, बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई, ये कागज देने के लिए आई। तलाक के कागज? इस तलाक में हम सबकी भलाई है, इसलिए अच्छा होगा तुम जल्द से जल्द इन कागजात पर दस्तखत कर दो। माँ आइए ना, बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई, ये कागज देने के लिए आई। तलाक के कागज? इस तलाक में हम सबकी भलाई है, इसलिए अच्छा होगा तुम जल्द से जल्द इन कागजात पर दस्तखत कर दो।